जैसे आज ये रथ मार्च यहाँ से निकलेगा पूरे भारत में भ्रमण के लिए, तो इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी को आप जोड़ने का काम करेंगे, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें जो है हमको माहौल तैयार करना है, तो इसमें ये तो है नियम किसी विशेष के पास जाकर के बैठेंगे, ये तो हम लोग चलते रहेंगे, जो भी लोग हमको मिलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कह रहे हैं कि किस किस कम्युनिटी को जोड़ेंगे, तो उसमें तो ऐसा होता है कि जैसे जाकर के बैठ के समझाना पड़ेगा लोगों को, और समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा, भोजन समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी मिलती जाएगी हमें ये नहीं देखना कि हमारे दलित समाज की बस्ती है या किस समाज की बस्ती है, जो भी हमें गांव पे जिस भी समाज के लोग मिलेंगे हम सभी लोगों को समझाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे ओबीसी समाज के, चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो। मेरा कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से ओबीसी समाज बहुजन समाज पार्टी से छिटका हुआ है, क्या उसको जोड़ने का काम करेंगे, मुस्लिम समाज जो छिटका हुआ उसको जोड़ने का काम करेंगे, सिख समाज जो छिटका हुआ उसको जोड़ने का काम करेंगे? मेरा कहने का मकसद देखिए छटका हुआ पहले था, लेकिन जब से 2 अप्रैल की जो घटना जो घटी थी भारत बंद की, वो जो सफल रही है भीम सैनिकों की, उनका सफल होना और विरोधी लोगों का असफल होना उसी भारत बंद को, ये बात प्रमाणित करता है कि ओबीसी समाज हमारे पक्ष में है। अगर ओबीसी समाज उनके पक्ष में होता तो कहीं ना कहीं वो भी सफल हो जाते, तो इस आधार पर ओबीसी समाज हमारे पक्ष में है, और वो भी देख रहा है कि भाई अगर आरक्षण चाहिए, रोजगार चाहिए, सभी समाज पक्ष में है, मुस्लिम समाज भी पक्ष में है, तो इस आधार पर सभी लोग हमारे पक्ष में है। आज के आखिर पे चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप आज जो है देश के युवाओं की एक धड़कन बन चुके हैं, और उन युवाओं के लिए राष्ट्रहित में क्या कहना चाहेंगे 2019 के लिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि जाति प्रथा जातिवाद के से ऊपर उठ करके देश के हित के बारे में आप लोग सोचो। आज रोजगार इस देश का लगभग 96% बच्चे आज बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार भी जो ये कहते रहते हैं वो चल जो भी कुछ है, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी और हमारे समाज पे जो एक विशेष समाज को जो टारगेट बनाकर के जो एट्रोसिटी चल रही है, अभी मुझे जानकारी मिली ब्राह्मण समाज के भाई को भी उधर मार दिया गया था अभी, और उसके बाद हमारी यादव समाज के भाइयों को भी मारा गया, मुस्लिम भाइयों को भी मारा जाता है, दलित समाज के भाइयों को भी मारा जाता है, तो ऐसे कौन सा समाज है देश में जो अछूता बचा है इस एट्रोसिटी से? तो सभी समाज के लोग जाति प्रथा से ऊपर उठ करके एक बार मौका आदरणीय बहन जी को आप लोग दें, जैसे बहन जी बेस्ट CM प्रूफ हुई थी, उसी प्रकार से बेस्ट PM भी प्रूफ हो सकती है।